तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में सायरन हेड के पीछे पड़ जाता है मेगा हॉर्न, जो कि सायरन हेड्स को मार देता है। लेकिन आज हम उसे कैसे बचाएंगे? तो मैं निकला यार कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने काम के लिए, जो कि मुझे रोज जाना पड़ता है। और आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग ब्रिज को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे साइट पर है। वो बहुत दिनों से यार अधूरा पड़ा है, आज उस ब्रिज को हम लोग कंप्लीट करके ही मानेंगे। मैं जब तक ब्रिज का काम कर रहा हूं गाइस, आप भी बताना यार एक बार जरा कमेंट्स में कि आप लोग को बड़ा होकर क्या बनना है। अच्छा। कमेंट करके जरूर मुझे बताना नीचे। अरे यार मैं एक सामान भूल गया नीचे से। ये क्या भाई? अरे सायरन हेड ये कहां से? इतनी तेजी में खराब कर दिया। अबे यार इसने मुझे देखा तो नहीं। ये क्या हुआ भाई? ये तो गिर गया। ये मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है भाई। देखता हूँ नीचे जाके। हाँ यार ये तो बेहोश है यार, लेकिन ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। बट ये बहुत ज्यादा घायल लग रहा है मुझे। एक बार मैं इसको देखूं क्या? मुझे लग नहीं रहा है कि ये उठने की हालत में है। अरे इसके तो पाँव में चोट लगी है, पाँव में भी, और ये देखो कितनी ज्यादा चोट लगी हुई है यार। लेकिन इसको कौन मार सकता है? इस वाले पाँव में भी भयंकर खून आ रहा है। ऊपर देखूं क्या? ये देखो पूरा कटा हुआ है यार। यार ये सायरन हेड होश में आ गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा दर्द में, और ये क्या बोल रहा है मेरी तो समझ भी नहीं आ रही है। मुझे लगता है मुझे किसी को बुला के लाना पड़ेगा, जो कि मुझे बता सके कि इसको हुआ क्या है। हमारे जुरासिक पार्क में एक जू कीपर है, उसका नाम टार्जन है। वो डायनासोर्स को संभालता है, तो मैं उसको ही जाके लेके आता हूँ यार, शायद उसको इसकी भाषा समझ में आए। एक बार मैं देख लूँ यार वो रहता कहाँ है पार्क में। हाँ ये अंदर ही रहेगा, लेकिन यार इतने पेड़ हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ की फोटो है। लगता है मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है भाई यहाँ पर? गोरिल्ला? ये क्या है भाई इतने बड़े बड़े? यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी, ये तो मेरी तरफ आ रहा था एक तो। भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा ही गोरिल्ला से। वो क्या है सामने? कहीं वही तो उस टार्जन का घर नहीं? अच्छा ये किसी ने पाले क्या? हाँ तो हो सकता है। अरे अरे भाई ये मेरे पीछे ही था जस्ट, वो बच गया। लगता है कि ये फ्रेंडली गोरिल्ला से, ये मुझे कुछ करेंगे नहीं। मैं आराम से निकलता हूँ सामने। ये शायद से मुझे ट्री हाउस लग रहा है, ये है ना उस टार्जन का घर होगा। मुझे इसके अंदर जाके देखना चाहिए। देखता हूँ अंदर जाके। भाई ये ट्री हाउस तो इसने बहुत ही खतरनाक बनाया यार। इसमें क्या ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना है क्या? ये कैसा घर बनाया यार इसने, प्रॉपर टार्जन ही है लग रहा है ये। इसको बंदरों जैसा रहना ही पसंद है। ठीक है मेरे को भी फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा एक बंदर की तरह। काफी ऊपर है यार, कितने माले हैं। एक तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से माले और बना के रखे इसने घर पे। कितना ऊपर तक जाना है? अरे तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये क्या है? यहाँ डेड एंड आ गया। अरे यार मैं कहाँ चढ़ गया भाई? ये पत्ते पत्ते हो रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ। इसका घर कहाँ है? ये किस झाड़ के बीच में आ गया मैं? अरे गिर गया। और अभी तो रुको, सच में बंदर आदमी क्या घर बनाया इसने? कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका घर खत्म कहाँ होता है, कहाँ चढ़ूं यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। भाई बहुत ही खतरनाक घर है ये, कहाँ आ गया मैं, किस कमरे में? और वक्त बदल दिया, क्या हुआ यार? ये लात मार दी इस घर ने मुझे, कितनी दूर आके गिरा हूँ मैं। भाई साहब भाई कहाँ हूँ मैं तो लग रहा बहुत ज्यादा ही दूर आ गया। कहाँ था यार इसका घर? और इतना दूर यार, क्या है ये घर कैसा बनाया यार इसने? तो मैं भी आखिरकार एक बंदर बन चुका हूँ। इस घर में 10 मिनट क्या रहा भाई, मैं भी बंदर बन चुका हूँ। और मुझे मिल चुका है इसके घर का टॉप, बट मुझे टार्जन नहीं मिला। ये कहाँ है? मैंने 10-15 मिनट इसको खोजा और ये घर पे ही नहीं है। अरे अरे बोरा दिख गया मुझे, ये तो किसी डायनासोर के मुंह में हाथ डाल रहा है। अच्छा तो इधर पे ये डायनासोर से पता नहीं क्या बातें कर रहा है। एक डायनासोर सो रहा है, शायद ही उसका चेकअप कर रहा है। तो मैंने इसको पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सायरन हेड आ चुका है हमारे शहर में और कंस्ट्रक्शन साइट में ऑलमोस्ट मरने की हालत पर पड़ा हुआ है। तो इसको मैं लेके जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो टार्जन ने इसकी भाषा को समझने की कोशिश करी और इसने मुझे बताया कि ये जो सायरन हेड है ये भाग के आ रहा है इसकी दुनिया से, मतलब दुनिया में हमारी है लेकिन इसके शहर से भाग के आ रहा है, क्योंकि इसके शहर में एक मेगा हॉर्न आ चुका था जिसने सायरन हेड के मम्मी पापा भाई बहन सबको मारा है, और वहां से ये बहुत तेजी से भाग के आया है। तो मैंने और टार्जन ने सोचा है कि हम इस सायरन हेड को ठीक कर देते हैं और इसको इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि ये उस मेगा हॉर्न से लड़ सके। तो टार्जन ने मुझे एक शहर बताया जो कि हमारे शहर के थोड़ा पास में ही है। वहां पर मुझे एक मैजिक हीलिंग पोशन मिलेगा जो कि हमें इस सायरन हेड पे लगाना है और फिर ये ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी उसी शहर में आ चुका हूँ और ये शहर तो बड़ा खतरनाक है यार, ये काफी ज्यादा ही बड़ा शहर लग रहा है यार, और ये बहुत अमीर लोगों का शहर है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर बहुत ही अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स है। देखते हैं यार हमें वो चीज कहाँ मिलेगी, क्योंकि टार्जन ने एक फोटो तो भेजी थी मुझे, ये रही, मुझे ये वाला घर ढूंढना है इस शहर में, इसके अंदर ही वो पोशन रखा है। तो चलो ढूंढते हैं उस नीले घर को। यार यहाँ पे तो पहाड़ है, मुझे लग रहा है इधर नहीं मिलेगा वो। ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। इधर पे फेंसिंग लगी हुई यार, आगे तो शहर खत्म है, अंदर घर तो है वैसे, लेकिन ये नीला वाला घर मुझे लग नहीं रहा कि इस जाली के अंदर होगा, शायद से इसके अंदर नहीं होगा। अरे वहाँ पे एक टावर भी है हवा में, और ये इतनी बड़ी गन, ये क्या है भाई?
ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये जाली यहाँ पे कहाँ से आ गई? मैं तो यहीं से आया था, यहाँ तो कोई जाली नहीं थी यार। यहाँ पे घर है बट वो वाला घर नहीं है, मुझे वो वाला घर ढूंढना है। यहाँ पर भी कुछ और है, ये एक अलग सी बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि समझ नहीं आ रही क्या है। आगे बहुत सारी बिल्डिंग है हमारे शहर जैसी, वो घर किधर है यार? इधर, अरे एक घर आया, हाँ यही है वो, यही लग रहा है यार, नीला कलर का तो है और मुझे लग रहा है कि यही है वो। हाँ हाँ यही है, यही है, इसके अंदर ही मुझे जाना है। कहाँ से जाऊँ यार, यहाँ पे तो दो गेट है, यहीं से चलते हुआ वाला तो मुझे पार्किंग टाइप में एरिया लग रहा है। ओके यहाँ पर ये क्या है, ये बुक शेल्फ है? अभी ये क्या, नीचे टॉयलेट है क्या? टॉयलेट सीट है ये कि डस्टबिन है? इधर सोफे वोफे लगे हैं, लगता है घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोग को बहुत ज़्यादा ही छानबीन करनी होगी। इधर बेडरूम भी आ गया है, ऊपर वाले फ्लोर पे चलना है अब, यहाँ पर तो खत्म हो चुका है कमरा। इधर भी एक बेड रखा हुआ है और इधर एक सीक्रेट कमरा है क्या? अच्छा ये पता नहीं क्या है, ये खिड़कियाँ लगी है, लगता है ये भी हॉल है। और यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, मुझे लग रहा है कि वो पोशन जो है ना वो आसानी से मिलने वाला है नहीं। इधर टीवी भी तो है और आगे है, ओके ऊपर जाने का रास्ता है, मतलब और फ्लोर से इस घर में। भाई बाहर से तो इतना बड़ा लग नहीं रहा था ये। अब तो मैं छत पे आ चुका हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है और यहाँ पर हो सकता है कि वो पोशन हो। भाई रुक जाओ, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। इधर एक रेड कलर की बॉटल तो रखी है, मुझे लग रहा है कि यही है वो हीलिंग पोशन। हाँ शायद यही है यार, क्योंकि ये एक बॉटल में लग रही है जो कि ये केमिकल टाइप ही लग रहा है, तो यही होगा वो। लेके चलते हैं इसको अपने शहर में वापस से। चलो यार इस घर से बाहर निकलते हैं और अपने शहर की तरफ वापस चलते हैं। वैसे इस घर का मालिक है कौन यार, घर पूरा खुला हुआ था इसका। तो अपने शहर में मैं वापस आ चुका हूँ, जल्दी चलते हैं टार्जन के पास और वो सायरन हेड को फिर ये हीलिंग पोशन लगाएगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग को इसको इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि ये उस मेगा हॉर्न से लड़ सके। यार वो पता नहीं मेगा हॉर्न यहाँ नहीं आ जाए बस हमारे शहर में। तो मैंने वो पोशन जो है वो टार्जन को दे दिया है और वो बहुत ही आराम से सायरन हेड के पूरे शरीर में वो पोशन लगा रहा है, एक एक करके वो उसके सारे पार्ट्स पे ये रगड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि इससे ये ठीक हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। यार ये तो ठीक हो रहा है भाई, सच में ठीक हो रहा है, ये एक मैजिक पोशन है। सायरन हेड पूरा ठीक हो रहा है, मुझे दिख रहा है ये ठीक होते हुए। भाई खड़े हो जा, हो जा, उठ जा सायरन हेड। तो सायरन हेड जो है वो ठीक हो चुका है और टार्जन ने तो कमाल कर दिया यार, और इसने सायरन हेड को समझा दिया है कि मैं अब सायरन हेड को थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा और शक्तिशाली बनने के लिए, ताकि हम लोग मेगा हॉर्न को मार सके। तो मैं आ चुका हूँ हमारे शहर के पीछे वाले एरिया में जहाँ पर एक बिल्डिंग रखी हुई है। ये बिल्डिंग एक ऑफिस वालों ने बनवाई थी पर वो इनके काम ही नहीं आई, इसलिए उसको छोड़ के चले गए। इसी बिल्डिंग का अब हम यूज करने वाले हैं सायरन हेड की ट्रेनिंग के लिए। तो सायरन हेड यार बहुत ही पतला है यार, कोई भी बड़ा सा मॉन्स्टर आके इसको दो थप्पाड़े में नीचे गिरा देगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको बढ़िया सी ट्रेनिंग दूँ। बॉडी तो इसकी खैर बनने से रही, लेकिन ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा और मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। हम लोग इसको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे कि ये मेगा हॉर्न को मार सकता है, क्योंकि इसकी असली ताकत इसके बाजुओं या फिर इसके बहुत ही पतले टांगों में नहीं है, इसकी असली ताकत इसके सायरन में है, इसको वो यूज करना होगा। तो हमारा सायरन हेड बिल्कुल रेडी हो चुका है मेगा हॉर्न को मारने के लिए। तो निकलते हैं हम लोग शहर की तरफ वापस से, वो मेगा हॉर्न कभी भी आ सकता है सायरन हेड का पीछा करते हुए। हम लोग चले मेरे घर के पास। यार मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, मुझे लग रहा है कि मेगा हॉर्न बस आता ही होगा। सायरन हेड इसको, भाई क्या ताकत आ गई है इसको, मैं तो बोलने वाला था कि इस चीज को फेंको। अरे क्या हुआ भाई, अरे यार वो मेगा हॉर्न आ चुका है, अब ये तो बहुत बड़ा है भाई। मेगा हॉर्न को यार मारना है सायरन हेड, इसके मुंह पे जैसे ही आए सायरन चला देना। हाँ बहुत बढ़िया, सायरन हेड ने चिल्ला दिया, लग रहा है मेगा हॉर्न बेहोश होने वाला है। अरे नहीं ये तो अटैक कर रहा है वापस से। अरे यार मेगा हॉर्न ने सायरन हेड को गिरा दिया। सायरन हेड उठो जल्दी उठो यार, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हुआ, सायरन हेड की मुंडी खा गया मेगा हॉर्न। अबे अबे मेरी तरफ आ रहा है, नहीं मैं क्या करूं। अरे नहीं नहीं, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।